हे hey दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज केकेआर के फैंस के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि केकेआर ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ एक बहुत ही धमाकेदार जीत हासिल की है। इंदौर में खेले गए आईपीएल 2018 के 44th मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 31 रनों से हराकर टॉप फोर के मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक कर दिया है। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया, जिसके जवाब में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम 214 का स्कोर ही बना सकी। दोस्तों, आपको ये बता दें कि केकेआर का 245 का स्कोर आईपीएल के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है और आईपीएल 2018 का हाईएस्ट स्कोर है, और ये कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। नाइट राइडर्स की इस जीत में सबसे अहम योगदान रहा ऑलराउंडर सुनील नारायण का। सुनील नारायण ने 75 रनों की पारी भी खेली और साथ में एक अहम विकेट भी लिया केएल राहुल का। किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, पर उनका ये फैसला गलत साबित हुआ। केकेआर के बल्लेबाजों ने इंदौर के छोटे मैदान का भरपूर फायदा उठाया और टीम ने एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। क्रिस लिन, जिन्होंने की 21 रन की पारी खेली, उनके छठे ओवर में आउट होने के बाद सुनील नारायण ने रॉबिन उत्तपा के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन जोड़े। सुनील नारायण, जो कि ओपनिंग करने आए थे, उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्कों की मदद से 75 रनों की पारी खेली। पहले 10 ओवर में केकेआर का स्कोर था 106 रन। अगले 10 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 139 रन बना डाले। इसमें सबसे बड़ा योगदान था कप्तान दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। आंद्रे रसल ने भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए 14 बॉलों में 31 रन मारे, और 20वें ओवर के आखिरी गेंद में सियरलेस ने छक्का लगा के केकेआर के स्कोर को 245 तक पहुंचा दिया। किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से एंड्रयू टाई ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। लक्ष्य के जवाब में केएल राहुल ने 29 गेंदों में 2 चौके और 7 छक्कों की मदद से 66 रन बनाए, पर उनके अलावा कोई भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज चल नहीं पाया। आंद्रे रसल ने किंग्स इलेवन पंजाब के अहम बल्लेबाज क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल को जल्दी जल्दी आउट करके किंग्स इलेवन पंजाब की कमर तोड़ दी। आंद्रे रसल ने कुल मिला के 3 विकेट लिए, और एंड में आके एरन फिंच और आर अश्विन ने कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कुछ चौके और छक्के लगाए, पर ये किंग्स इलेवन पंजाब को जिताने के लिए काफी नहीं था। किंग्स इलेवन पंजाब ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 214 रन बनाए। इस मैच में कुल मिला के 31 छक्के लगे, और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स 12 अंकों के साथ चौथे स्थान पे पहुंच गया है और किंग्स इलेवन पंजाब तीसरे स्थान पे टिका हुआ है। तो दोस्तों, आईपीएल की और ऐसे न्यूज जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।